एशियानी गणमान्य 21 गण सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस 2023 दसमा शो नो गुजरात में वडोदरा ना लक्ष्मी विलास पैलेस खाते आगामी 6-8 जानुआरी दरमियान योजना छे। आ शो नी माहिती आपवा माटे एक पत्रकार परिषद नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। अगाउ आ शो दिल्ली में ज करवामां आवतो हतो। प्रथमवार राजधानी बहार गुजरात ना वडोदरा ना राजवी परिवार ना परिसर में योजाई रह्यो छे। पत्रकार परिषद में संस्था मैनेजिंग ट्रस्टी और चेयरमैन मदन मोहन सहित राजवी परिवार सभ्यों राजवी समरजीत सिंह गायकवाड़ तेमज महाराणी राधिका राजे गायकवाड़ उपस्थित रहा था। तेमणे शो की खासियत विषय पत्रकारों ने माहिती आपी हती। 21 गण सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा आयोजित दसमो शो गुजरात ना वडोदरा में योजवानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आ शो में 25 आंतरराष्ट्रीय कार 120 वेटरनर बाइक सहित महाराजा कार्ड्स सहित 200 जेटला वाहनों प्रदर्शित करवामां आवशे तेमज 35 जेटला निर्णायकों द्वारा तेनुं जजिंग करवामां आवशे। कॉन्कोर्स डी एलिगेंस का ये फर्स्ट एडिशन 5, 6, 7, 8 तारीख को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 5 तारीख को हम भारत के 75 वर्षों का जो स्वर्ण आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसको मनाने के लिए हम एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें 75 गाड़ियां 75 साल मनाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचेंगी। 5 तारीख को सुबह 8 बजे 75 गाड़ियों का फ्लैग ऑफ होगा लक्ष्मी निवास पैलेस से, विलास पैलेस से, और शाम को गाड़ियां वहां से आएंगी वापस। और 6 तारीख सुबह 9:30 बजे 10वें एडिशन का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे चीफ गेस्ट उसको करेंगे, और उसके बाद ये शाम को 6 बजे तक आयोजन चालू रहेगा। और हर रोज 8 तारीख तक सुबह 9 बजे 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये गुजरात के सभी लोगों के लिए खुला रहेगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम खास इसलिए रखा गया कि बड़ोडा में लक्ष्मीदास पैलेस में 21 गन सल्यूट कार कॉन्कोर्स आयोजन होने वाला है 6-8 जनवरी 2023 में। साल ही शुरुआत होते ही ये कार विंटेज कार का एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है। शायद हमारे देश में ये सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है इस ये पुरानी गाड़ियों का, और दूर दूर से लोग आने वाले जो कार कलेक्टर हैं वो खुद की गाड़ियां दूर दूर से देश से लाने वाले, काफ़ी गाड़ियां विदेश से भी आने वाली है, और ये एक स्पेशल गाड़ी का एग्जीबिशन होने वाला है।